विजुअलाइजेशन, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन का जो सिलेबस था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, आज उसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं। बहुत इजी है, क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे 7 या 8 मार्क्स के, ठीक है। नॉट 7 to 8, आई थिंक 6, या मैक्सिमम 6 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन पहले देखते हैं, आफ्टर दैट वी विल मूविंग टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का एक आता है आपको, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज राइट कमांड टू डिस्प्ले लेजेंड। अब सबसे पहली बात यहां पे मैं शुरू करूं, उससे पहले भाई ये वीडियो तो एंड तक देखना ही देखना है। प्रैक्टिस सेशन का सवाल है, 6 मार्क्स, कैन यू इमेजिन 6 मार्क्स, यू विल बी स्कोरिंग 6 मार्क्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन, राइट। एंड यहां पे कोई भी कांसेप्ट अगर समझ नहीं आता है, देन गो बैक एंड वॉच द वीडियोस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन रिवीजन, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फाइन, चलो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। राइट कमांड टू डिस्प्ले लेजेंड, हमने बहुत बार लेजेंड यूज कर लिया अपने ग्राफ में, so what would be the command for displaying legend? Yeah, these are all the 1 marks question, ठीक है? Okay, great. So legend जब भी display करवाना होगा, then we have to write simply plt dot legend, ठीक है? अब आप ये लिखोगे, then it would be correct. और ये basically MCQ के form में ही होगा. But अगर one word answer के form में है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे plt नहीं लिखना. For a safer side, wrong नहीं होता है, but for a safer side, what you will write is pura matplotlib dot pyplot dot legend, ठीक है? क्योंकि हमने इसको name alias किया था, matplotlib dot pyplot को हम as plt लिखते हैं, ठीक है? तो या तो आप ऊपर लिख दो import matplotlib as pyplot as plt, ठीक है? अगर वो नहीं लिखना है तो ऐसे पूरा लिखना। One question done. Okay, next question in the form of MCQ. Which of the following is not valid chart type? ये जरूर देखना, question पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है? Which is not valid chart type? Line plot, histogram, bar chart, statistical. Line graph होता है हमें पता है, histogram होता है पता है, bar graph होता है पता है, क्या नहीं होता है? Statistical data analysis होता है, stats एक part of analysis है, but it is not a part of chart, ठीक है? So this one would be actually the correct answer, statistical. Moving on to next question, which plot shows result of continuous data? What is the keyword? Continuous. Continuous में अब bar graph continuous नहीं होता है, अगर पिछले videos देखे होंगे then this question would be really very easy for you to solve, राइट। मैंने पहले ही बताया डेटा विजुअलाइजेशन मस्का है, इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो, कोई स्कोप ही नहीं है तो कोई मिस्टेक हो, ठीक है? दिस इज दैट सिंपल। सो हियर द आंसर वुड बी हिस्टोग्राम, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम होता है वो रेंज में डेटा शो करता है, वो बिन्स बनाता है, राइट? 0 से 10 का रेंज, देन 10 to 20 का रेंज, सो हिस्टोग्राम इज द डेटा, सॉरी histogram is the plot which would give us the result of continuous data. Fine. Write command to display a chart. मैंने आपको बहुत बार ही repeat करके बताया था कि आप सिर्फ पूरा कोड लिख लोगे तो उससे चार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। चार्ट डिस्प्ले करवाने के लिए it is compulsory to write plt dot show. अगेन यहाँ पे अगर आपको ये वन वर्ड आंसर है तो आप पूरा लिखोगे matplotlib.pyplot.show, ठीक है? और एमसीक्यू है तो उसमें तो ये दिया हुआ होगा, फाइन। सो ऐसे काइंड ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है? बिन की डेफिनेशन आ जाएगी, दैट व्हाट इज द नॉन ओवरलैपिंग रेंज इन हिस्टोग्राम कॉल्ड एज, सो दैट इज कॉल्ड एज बिन, फाइन, नथिंग मोर देन दैट आई थिंक। अब we'll go towards the descriptive question. उसमें 2 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? या तो चार्ट दे दिया होगा, एक चार्ट का पिक्चर होगा और बोलेंगे कि इसको डिस्प्ले करवाने के लिए कोड लिखो, या तो एक टेबल दिया हुआ होगा जिसमें डेटा होगा और बोलेंगे कि इसको डिस्प्ले करवाने के लिए कोड लिखो, ठीक है? तो दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, राइट? ओके, सो दिस इज द 5th क्वेश्चन फॉर द डे, राइट कोड टू डिस्प्ले फॉलोइंग चार्ट। ये जो चार्ट यहाँ पे है वो हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? नाउ
थोड़ी ऐड कर देते हैं। सपोज यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ आना चाहिए एंड यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। फाइन, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिस्प्ले, दिस इज द चार्ट दैट वी हैव टू जनरेट विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। सो द फर्स्ट लाइन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ये भूलना नहीं है नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फाइन, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.पाइप्लॉट ये लाइन लिखा। अब ये लाइन आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो है वो लाइन ग्राफ है, ठीक है। कोई भी ग्राफ होगा आपको पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए दो लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। सो एक्स एक्सिस की यहाँ पे लिस्ट देखिए तो वो है ए बी सी डी ई, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज हियर द शॉर्टकट मेथड ताकि हमें एक्स टिक्स फंक्शन यूज ना करना पड़े। फाइन, वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, राइट, राइट के लिए पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5, ग्रेट। नाउ आफ्टर दैट क्योंकि ये लाइन ग्राफ है देयर विल बी राइटिंग plt.plot, ठीक है। क्या प्लॉट करना है, x वर्सेस y, ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल बी राइटिंग plt.xlabel, दैट इज अवर कैरेक्टर, एंड plt.ylabel, दैट इज अवर नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट इसको शो करवाएंगे plt.show के हेल्प से, राइट, वेरी सिंपल थिंग। आप इतनी लाइन ऑफ कोड लिखो यू विल स्कोर 3 मार्क्स, ओके, सिंपल इनफ। तो इतना सा ये कोड था, राइट, ओके। नाउ इसमें और दूसरे टाइप का क्या आ सकता है, यहाँ पे लाइन ग्राफ की जगह पे होगा बार ग्राफ। कोड विल बी सेम, ठीक है, पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लॉट के जगह पे आ जाएगा बार, राइट, ओके, फाइन। देन यहाँ पे आपको एक चीज हो सकती है कि आपको शायद यहाँ पे कोई कलर वगैरह दिया हो, जनरली कलर नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो कि लाइन का कलर ये होना चाहिए या बार का कलर ये होना चाहिए, नो इश्यूज, वी नो दैट, राइट। यहाँ पे एक कलर पैरामीटर ऐड करके आप लिख देना जो भी कलर आपको देना है, फाइन। सो दिस इज द होल कोड, सिंपल इनफ। विल गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ओके। सो दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर द डे, राइट कोड टू डिस्प्ले बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब हमें बार ग्राफ बनाना है, कौन से डेटा के लिए, तो ये वाले डेटा के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेम इज एबीसी एंड एज का एक कॉलम है जिसमें सारी एजेस दी हुई है, फाइन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पाइप्लॉट तो लिखना ही है, देन एक्स एक्सिस के लिए क्या चीजें हैं, तो ए बी सी, y एक्सिस के लिए क्या चीजें हैं, 25 26 29, फाइन। अब सिंपली वी विल राइट plt.bar इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट x एंड y plt. या अब देखो यहाँ पे कॉलम के नाम दिए गए हैं, सो इट इज बेटर दैट यू यूज द x लेबल एंड y लेबल थिंग, ठीक है। दिया हुआ हो या ना दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आप यहाँ पे x label and y label use कर देना, it would create a good impression, ठीक है। So x label में आ जाएगा name and plt dot y label में आ जाएगा आपका age. Lastly you will be writing plt dot show. Even if you want to give the title you can give it. Okay. Fine. So this graph would be plotted something like this. और ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना कि डेटा दिया हुआ हो एंड आपको लाइक ग्राफ प्लॉट करने का बोले, तो उस ग्राफ का भी एक आउटपुट लिख देना, ओके। इट वुड नॉट टेक मच टाइम बट इट वुड क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। नाउ यहाँ पे ये 25 है, ठीक है, लेट्स जस्ट थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ओके। This is 26 and this one is 29. So something like this could be plotted. यहाँ पे आ जाएगा name और यहाँ पे आ जाएगा age. Fine. So this would be the graph. इसमें ज़्यादा कोई type के questions नहीं हैं. I have seen your like the sample papers, the previous year papers.
ज्यादा कोई टाइप की क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, फाइन, एंड इट वुड बी वेरी इजी टू स्कोर इन डेटा विजुअलाइजेशन. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसक्यूएल. ओके, सो एसक्यूएल बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, एंड यस, नाउ इट विल बी स्टार्टेड. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल.